जो हमारा सब्जेक्ट था यानी जो बंदा जिसके बारे में हम कंसर्न थे वो अब मोशन में है अब वो रेस्ट पे नहीं है तो वो मूव कर रहा है मूव कर रहा है और बारिश भी गिर रही है तो ये थर्ड केस हो गया तो हम इन तीनों केसेस के रिगार्डिंग हम कंडीशन डिराइव करेंगे कि कौन सा वो एंगल थीटा हो या कौन सी वो पोजीशन हो या कौन सा वो ओरिएंटेशन हो अम्ब्रेला का जिस पे हम अम्ब्रेला को रखें और हम भीगने से बच जाएं तो दिस इज अवर मेन क्राइटेरिया यार देखो तो बिफोर प्रोसीडिंग प्रॉब्लम जो है एग्जैक्ट प्रॉब्लम पे प्रोसीड करने से पहले मैं आपको एक टॉपिक रिवाइज कराना चाहता हूं जो हमने पढ़ा था मोशन इन स्ट्रेट लाइन पे यानी मोशन इन वन डी में वो टॉपिक था रिलेटिव रिलेटिव वेलोसिटी वेलोसिटी का क्या बोल रहे थे हम कि वेलोसिटी वेलोसिटी है सर और को पूरा अगर टर्म दे तो दैट इज रिलेटिव जब हमने मोशन पढ़ा था मोशन पैरामीटर्स पढ़े थे तो उसमें सबसे पहली चीज पढ़ी थी स्टेट ऑफ रेस्ट या स्टेट ऑफ मोशन और उसमें हमने देखा कि स्टेट ऑफ रेस्ट या स्टेट ऑफ मोशन है वो Uh, तीन चीजों पे डिपेंड कर रही है एक तो ऑब्जेक्ट पे जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं एक उसके इमीडिएट सराउंडिंग्स पे और तीसरा ऑब्जर्वर पे तो इन तीनों के कंबाइंड प्रॉपर्टी का जिससे हम डिफाइन कर रहे थे वेदर द ऑब्जेक्ट इज इन मोशन और इज इट एट रेस्ट अब जब हमने ये सब चीजें पढ़ी थी तो हमने एक और चीज देखी थी कि कोई भी ऑब्जेक्ट है वो एक ही साथ रेस्ट में भी हो सकता है और मोशन में भी हो सकता है दैट डिपेंड्स अपॉन द

तो दैट दैट बॉय वाज इन वाज इन रेस्ट एज कम्पेयर टू द बस तो बस के कंपैरिजन में देखोगे तो वो लड़का रेस्ट में था और जब हमने देखे उस बॉय को देखा ट्री के रिस्पेक्ट में या फिर ग्राउंड के रिस्पेक्ट में तो बस के साथ साथ वो मूव कर रहा था तो ये हमारा सेकेंड कंडीशन था लेकिन अगर हम लड़के की ही बात करें तो वो दोनों एक एक सेम पॉइंट पे दो कंडीशंस थे उसके पास वो रेस्ट में में भी था में भी था था और मोशन तो इससे हमने ये कंक्लूजन निकाला था कि रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टर्म्स है ना दे आर रिलेटिव टर्म्स एब्सोल्यूट टर्म्स नहीं है तो देर इज नथिंग कॉल्ड रेस्ट देर इज नथिंग कॉल्ड एज एब्सोलूट मोशन जो Uh, सही बात है वो ये है कि एब्सोलूट रेस्ट और एबसोल्यूट मोशन नहीं होते रिलेटिव रेस्ट और रिलेटिव मोशन होते हैं उसी के बेसिस पे हमने हमने वेलोसिटी डिफाइन करी थी तो उनको भी हमने बोला था कि फिजिक्स की लैंग्वेज में अगर पूरी बात बोलो करेक्ट बात बोलो तो यू टॉक ऑलवेज अबाउट रिलेटिव वेलोसिटी रिलेटिव मोशन रिलेटिव रेस्ट रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट या फिर वो पूरा किसी ना किसी चीज के कंपेरिजन में होगा तो दैट क्वान्टिटी इज ऑलवेज रिलेटिव तो अब यहाँ पे देखो रिलेटिव वेलोसिटी की बात हो रही है मतलब क्या हुआ कि बात तो हम वेलोसिटी की कर रहे हैं लेकिन उसको लिख दे रहे हैं कि रिलेटिव वेलोसिटी किसी के रिस्पेक्ट में तो पूरी कंप्लीट बात लिखने के लिए बोलता है यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट है एक कार ए एक कार बी अब कार ए राइट साइड में मूव कर रही है वेलोसिटी से कार बी भी राइट साइड में मूव कर रही है वेलोसिटी से तो अब मुझे फाइंड आउट करना है कि वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी तो उसको मैं लिखूंगा देखो ये लिखने का तरीका है खाली वेलोसिटी ऑफ ए with respect to b का मतलब है a की निकालनी है with respect to b और उसको कैसे निकालोगे वेलोसिटी ऑफ a जिसकी निकालनी है माइनस वेलोसिटी ऑफ b जिसके रेफरेंस में ठीक है तो ये हमारा फार्मूला है सिमिलरली b की with respect to a निकालोगे तो vb va ये हमारा तरीका हो जाएगा अब अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि पहले हमारा जब हम पढ़ रहे थे खाली वेलोसिटी तो उस रेफरेंस रेफरेंस टाइम पे हम जब जो हमें उसकी वेलोसिटी माइनस करनी पड़ेगी बट याद रखने लायक बात यह है कि अगर आपको ए विद रिस्पेक्ट तो है, तो पहले बी ए आएगा माइनस वी पी आएगा जिसके रिस्पेक्ट में निकालनी है उसकी वेलोसिटी को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा तो वी velocity of a with respect to b is going to be velocity of a minus velocity of b velocity of b with respect to a is going to be velocity of b minus velocity of a to aapko ye milega yahan se par ab ye jo velocity of a hai velocity of a isko main bol dunga kya ki velocity of a object a in comparison to the ground, या stationary जो हमारा वो है frame, stationary frame कौन सा है जो रुका हुआ frame है और वो generally क्या होता है Ground, ground या फिर earth बोल लो उसको है ना तो ग्राउंड जो है उसके रिस्पेक्ट में अगर है हमारी वेलोसिटी कार की तो उसको हमने बोला वेलोस्टी ऑफ ए तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो वेलोसिटी ऑफ ए इज इक्वल टू वेलोस्टी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ठीक है क्योंकि ग्राउंड की अब देखो ऑफ ए विद रिस्पेक्ट

कि जिसकी वेलोसिटी निकालनी है वो पहले आएगा जिसके रिस्पेक्ट में निकालनी है वो बाद में आएगा ठीक बस ये खाली बात याद रख लो अब हम बढ़ते हैं अपने फर्स्ट केस की केस की तरफ पहला क्या था कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है सब्जेक्ट है वो रेस्ट पे है तो ये लड़का जो है रेस्ट पे है इसने अम्ब्रेला पकड़ा हुआ है सीधा वर्टिकली और जो रेन है दैट इज फॉलिंग वर्टिकली डाउनवर्ड ये केस वन है इसकी कंडीशन ये है अ मैन इज स्टैंडिंग इन द रेन रेन में खड़ा हुआ है तो

माइनस वाई की तरफ पॉइंट करने वाला माइनस जे कैप और माइनस जेड की तरफ पॉइंट करने वाला माइनस के कैप तो क्योंकि ये बारिश वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में गिर रही है क्योंकि ये बारिश वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में गिर रही है तो हम बोल सकते हैं कि डायरेक्शन ऑफ uh, जो वेलोसिटी uh, की वैल्यू है रेन की दैट इज गोइंग टू बी वी

माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड तो ये दो, ये दो rain, rain के में कैसे है माइनस वी जे कैप क्योंकि माइनस जे कैप डायरेक्शन में और वी मैग्नीट्यूड से गिर रही है नीचे माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड मैन की वेलोसिटी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में जीरो है जी

एक लेवल से ऊपर की प्रॉब्लम आए तो हमें एक सिस्टमेटिक अप्रोच पता हो कि हाँ रेन तो 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 की उसको सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो माइनस वी जे कह पाएगा और जाहिर सी बात है जब स्टेशनरी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में रेन हमारी माइनस वी जे से है तो उसी स्टेशनरी ग्राउंड पे हमारा जो सब्जेक्ट है हमारा जो लड़का है वो रेस्ट पे ही खड़ा हुआ है तो वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड और वेलोसिटी ऑफ मैन तो से पता है ठीक है तो यही हमने मैथमेटिकली एक तरीके से निकाल लिया जो पहले हमने कंसेप्ट देखा था और वही बात आपको ऊपर लिखी हुई नजर आएगी जो ये लिखी हुई है ना यहाँ पे ये जो लिखा है ये सेम बात है ठीक है अब सेकंड केस देखते हैं सेकंड केस में क्या होगा यहां भी हमें रेन की वेलोसिटी नि, निकालनी है विद रिस्पेक्ट टू मैन अब ये ऐसा क्यों कर रहे हैं ये मैं आपको बताऊंगा लेकिन अभी ये सीखो कि वेलोसिटी ऑफ रेन हम क्यों निकाल रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू मैन कैसे निकाल रहे हैं ठीक है क्यों निकाल रहे हैं बताऊंगा अ मैन इज रनिंग हॉरिजोंटली विद स्पीड भी अब मैन जो है वो मूव कर रहा था मैन जो है वो मूव कर रहा है ठीक है केस टू है कि मैन इज मूविंग मैन इज रनिंग हॉरिजॉन्टली तो मैन जो है वो मूव कर रहा है ठीक है अब रेन हमारी नीचे ही गिर रही है इट इज फॉलिंग डाउनवर्ड ओनली और मैन है वो मूव करने लग गया ठीक है तो ये केस हुआ टू अब मैं लिखता हूं कि वेलोसिटी ऑफ मैन वेलोसिटी ऑफ मैन क्या है जी पॉजिटिव आई कैप आई कैप डायरेक्शन के अंदर ये जा रहा है किस किस मैग्नीट्यूड से

केस केस और टू में मुझे ये दोनों वेलोसिटीज निकालनी आ गई हैं। अब मैं आगे बढ़ता कि कि हमने निकाला क्यों? देखो हमारा हमारा टारगेट टारगेट क्या था? When we started this type of problems, था ड्रेंचिंग इफेक्ट ऑफ रेन हम बारिश के भिगो देने वाले इफेक्ट से हम अपने आप को बचाना चाहते हैं तो बचने का तरीका क्या होगा कि आपको छाते को किसी ना किसी एंगल पे पकड़ना पड़ेगा यू नीड टू होल्ड द अम्ब्रेला एट सम पर्टिकुलर एंगल टू सेफ गार्ड यूर सेल्फ फ्रॉम द ड्रेंचिंग इफेक्ट ऑफ रेन बारिश के भिगो देने वाले प्रभाव से आपको अपने आप को बचाने के लिए छाते को किसी निश्चित एंगल के ऊपर पकड़ना होगा ठीक है अब वो एंगल कौन सा होगा सपोज करो आप फील करो मान लो आपके सामने की साइड से बारिश आ रही है तो आपको छाता ऐसे सामने की साइड पकड़ना पड़ेगा बारिश पीछे से आ रही तो आपको पीछे की साइड पकड़ना पड़ेगा साइड से आ रही तो ऐसे साइड करके पकड़ना पड़ेगा है ना ये तो हमने एक्सपीरियंस किया है डेली लाइफ में हाँ जी यस और नो

रिस्पेक्ट टू जो रेन की वेलोसिटी होगी मुझे उससे अपोजिट डायरेक्शन में छाता पकड़ना पड़ेगा तो पीछे से आ रही थी छाता तो पकड़ूंगा तो छाता को रोक लेगा तो यही यहाँ ओरिएंटेशन ऑफ रहेगा उसके अगेंस्ट आपको छाता पकड़ना पड़ेगा टू अवॉइड गेटिंग ड्रेंच यानी भीगने से बचने के लिए आपको छाता उससे अपोजिट डायरेक्शन में पकड़ना पड़ेगा तो देखो पहले क्या था फर्स्ट केस वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड यानी बारिश नीचे गिर रही है अब ये स्टेशनरी था तो मतलब से ऐसे ऊपर की तरफ तो क्या हुआ बच गया अब दूसरा केस था कि ये ये लड़का मूव कर रहा है यू से, और बारिश वर्टिकली डाउनवर्ड गिर रही है तो इनका रिजल्टेंट जो आया दैट इज दिस थिंग है ना ये क्या है ये वाला तो मैन मुझे मिला कि विद ये रहेगा जी ठीक है अब क्या करोगे आप छाते को इसके अपोजिट डायरेक्शन में पकड़ लो तो आप भीगने से बच जाओगे थर्ड केस होगा कि थर्ड केस नहीं, ये सेकंड केस का ही दूसरा है कि जैसे जैसे वेलोसिटी आप बढ़ाओगे थोड़ा तेज दौड़ोगे तो रिजल्टेंट जो है थोड़ा थोड़ा ऐसे स्लान होता चला जाएगा यानी छाता आपको उतना ही आगे की साइड पकड़ना पड़ेगा तो ये आपको पता चलेगा कि जो मेरा वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन है यानी वी आर एम है उसके अगेंस्ट इस, इसके अपोजिट डायरेक्शन में आपको छाता पकड़ना पड़ेगा टू तो सेफ गार्ड योर सेल्फ फ्रॉम द रेन तो इसलिए इसलिए मैंने निकाला निकाला पे पे भी निकाला velocity of rain with respect to यहाँ पे भी क्योंकि velocity of rain with respect to की जो डायरेक्शन है उससे अपोजिट डायरेक्शन में मेरे को छाता पकड़ना पड़ेगा खुद को भीगने से बचाने के लिए ठीक है और फील करके देखोगे तो ये भी आपको पता चलेगा कि आगे से बारिश आ रही तो उसके आगे की साइड अगेंस्ट पीछे से आ रही तो पीछे की साइड अगेंस्ट अब आपको जो मैंने कंसेप्ट बताया इसी के बेसिस पे आप फाइंड आउट करो वेक्टर्स को याद करो हमने वेक्टर्स पढ़े थे तो उस उस सिचुएशन को याद करो थे, यू, कोस, थीटा, यू, थीटा, यूज थे और मुझे इस क्वेश्चन का आंसर बताने का कोशिश करो सब लोग एक इसको ट्राई करो और मुझे इस क्वेश्चन का आंसर बताने की आप लोग कोशिश करो और बता पाओगे जितने बच्चे सीरियसली करेंगे

जो अभी बताया वही कंसेप्ट यूज करके फाइंड आउट करो जिनका आंसर आ जाता है हेनरीज करना जी सब लोग जिनका आंसर आएगा फाइंड आउट करो भाई सब लोग

तो minus J cap की पॉइंट कर रहा है और एट मीटर से तो ये क्या आया रेन की वेलोसिटी विद ग्राउंड रफ्तार से तो आई कैप डायरेक्शन में सिक्स से तो सिक्स आई कैप ये दोनों आपको मिल गए इन दोनों की वैल्यू यहां डालो तो वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन आपको मिलता है दैट इज माइनस एट जे कैप माइनस सिक्स आई कैप ठीक है तो ये मुझे मिल गया वेक्टर इसको ड्रॉ करके देख लो क्या होगा जी ऐसा कुछ होगा ये इधर आया डाउनवर्ड डायरेक्शन में और क्योंकि मुझे निकालने इसको माइनस करना है तो ये इधर आ जाएगा तो वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन जो कुछ ऐसा आएगा डायरेक्शन में इसको क्लोज करने वाला तो आपको ये थीटा बताना है ये वैल्यू है एट ये वैल्यू है सिक्स नाउ यू हैव टू फाइंड आउट दिस थीटा अब तो कर लो भाई आप अब, अब जिनका हो जाएगा तो तो कर लो सब लोग जिनका आ जाए आंसर जिनको थीटा करके कुछ गड़बड़ आएगी लास्ट में तो याद करना किसको मैजिक ट्रायंगल को मैजिक ट्रायंगल को याद करोगे तो एंगल आ जाएगा ऐसा एंगल जिसकी रेशियोज साइड की रेशियोज थ्री इज टू फोर इज टू फाइव है उसमें एक एंगल थर्टी सेवन डिग्री होगा दूसरा फिफ्टी थ्री डिग्री होगा और तीसरा तो 90 डिग्री होता ही है तो थर्टी सेवन और फिफ्टी थ्री होगा साइड होंगी थ्री फोर और फाइव ठीक है देखो इस क्वेश्चन में आपको दिखाई देगा क्या वेलोसिटी वेलोसिटी ऑफ़ ऑफ़ रेन रेन क्या है कैप क्योंकि बारिश नीचे गिर रही है एट मीटर पर सेकंड की रफ्तार से मैन राइट साइड में मूव कर रहा है तो 6I spectrum, ये वही कहानी है जो मैंने आपको बताई माइनस सिक्स आई कैप माइनस एट जे कैप अब कैलकुलेट द एंगल एंगल कैलकुलेट करने के लिए ये चित्र देखो इधर वाला इसमें आप देख रहे हो कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो है वो सिक्स आई कैप है और

बेस क्या है यहाँ से ये वाली दूरी ठीक है तो आप इनकी वैल्यूज रख दो परपेंडिकुलर था माइनस एट और यहां से भी आपको दिख मिलेगा सोल्व तो करोगे तो थ्री बाय फोर टेनजेंट थीटा इज थ्री थीटा इज इक्वल टू टेन वर्ष थ्री बाय फोर तो काफी बच्चे यहाँ तक गए होंगे टेन इनवर्स थ्री बाय फोर लेकिन इसके बाद क्या करना है इसके बाद आपको एक ट्राइंगल ऐसा याद करना है जो आपको बताया था कि थ्री फोर और फाइव इसमें ये वाला एंगल थर्टी सेवन होता है ये फिफ्टी थ्री होता है तो इस मैजिक ट्राइंगल की मदद से आप फाइंड आउट कर सकते हो कि क्या एंगल है इसको सोल्व करोगे तो थर्टी सेवन डिग्री आएगा कितने बच्चों का आ गया था ये ठीक है जिनका नहीं आया वो ये सोल्यूशन देखेंगे और फिर करेंगे इसको मैक्सिमम बच्चों का आ गया वैसे अब दूसरा क्वेश्चन ये है ये ट्राई करो सब लोग सब लोग ये क्वेश्चन ट्राई करेंगे बिल्कुल सेम क्वेश्चन है कुछ फर्क नहीं है इसमें सेम ही क्वेश्चन है थोड़ा सा इसमें मॉडिफिकेशन कर रहा हूँ आंसर्स में जिसके से आंसर दिए गए हैं वो थोड़े गलत दे दिए तो आप क्या करो सबके ऊपर अंडर रूट इमेजिन कर रूट हूँ

माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन और ये दोनों ग्राउंड के रिस्पेक्ट में होती है तो rg और mg ऐसे लिख देता हूं अब देख लो कौन सी आपको वैल्यूज दी गई हैं कौन सी निकालनी है फिर ट्राइंगल बना लेना फिर थीटा बता देना थीटा खाली यहां बतानी नहीं है रिलेटिव वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड खाली आपको बताना है तो ये तो और भी इजी है पिछले वाले क्वेश्चन से जिनका आंसर आए हैंडरेज करना क्या आंसर आया भाई ऑप्शन सी ए बी सी डी चैट बॉक्स में डालो सब लोग ए बी सी डी जैसा जैसा आपका जिसका जो आंसर आया है वो सब लोग चैटबॉक्स में डालो ऑप्शन सी ऑप्शन सी सही आंसर है देखो सॉल्यूशन देखते हैं काफी अच्छा है सब लोगों ने कर लिया बड़ा अच्छा लगा प्रीवियस क्वेश्चन है उसी के जैसा ये भी है कुछ इसमें ज्यादा फेरबदल है नहीं तो देखो क्या करेंगे हमें दिया गया है मैन इज वॉकिंग ऑन अ रोड विद वेलोसिटी थ्री किलोमीटर पर आवर तो ये मान लेते हैं कि राइट साइड में जा रहा है थ्री किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से ठीक है बेटा अब इसको मैं लिख सकता हूँ थ्री आई कैप क्योंकि पॉजिटिव एक्सेक्स में जा रहा है

मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड तो माइनस थ्री आई कैप अब ये मेरा क्या है वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन इसको ड्रॉ करो ठीक है इसको ड्रॉ नहीं करना इसको ड्रॉ करना है ये जो है माइनस टेन जे कैप और माइनस थ्री आई कैप ड्रॉ हो गए दोनों वेक्टर अब इनका रिजल्टेंट ट्राइंगल ऑफ वेक्टर एडिशन क्या कहता है कि इनको जिस ऑर्डर में दोनों वेक्टर है ये ऐसे था नीचे फिर ऐसे तो इसका अपोजिट ऑर्डर ये होगा उस तरीके से ट्राइंगल को ज्वाइन कर दो तो जो या थर्ड वैक्टर सम तो अब आपको इस ट्राइंगल के बारे में बताना है जिसकी लेंथ बता दोगे तो आपको मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी मिल जाएगा और इसी का वर्टिकल के साथ एंगल बता दोगे तो आपको थीटा वैल्यू मिल जाएगी ठीक है अब देखो ये मैग्नीट्यूड मान लो मैं इसको एक्स बोल देता हूं मुझे एक्स फाइंड आउट करना है तो एक्स कैन बी फाउंड आउट बाय यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम तो उसको ऐसे लगाओगे अंडर रूट मतलब तो ही पाइथागोरस बोल दो उसको या फिर रिजल्टेंट जो हम अब तक कहानी पढ़ते आए थे कि इंडिविजुअल कंपोनेंट्स का स्क्वायर अभी ट्रायंगल नहीं भी बनाते तब भी वी कैन फाइंड आउट दिस थिंग क्या होगा Magnitude of rm, magnitude of velocity of rain with अगर थ्री डी है तो ठीक है ये कहानी थी मैग्निट्यूड निकालने की तो इसी कहानी को यूज करते हुए हम क्या करेंगे माइनस टेन का स्क्वायर माइनस थ्री का स्क्वायर कर देंगे तो दस का स्क्वायर आया इन दोनों को जोड़ोगे तो दैट विल बी, बी किलोमीटर पर आवर क्योंकि स्टार्टिंग की वेलोसिटी थी वो किलोमीटर पर आवर में थी रेन की अगर इनमें से कोई मीटर पर सेकंड में होगी तो फर्स्ट वी कन्वर्ट हमें किसी एक कॉमन यूनिट पे आना पड़ेगा और वो कॉमन यूनिट कौन सा होगा जो आंसर्स में दिया हो बेहतर वही है कि उस पे आ जाओ तो आंसर जल्दी निकल जाएगा तो दैट विल बी माइनस सॉरी दैट विल बी अंडर रूट वन जीरो नाइन किलोमीटर पर आवर तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा ठीक है जैसे यहाँ पे वाहियात यूनिट लिखा है ये गलत है तो अंडर रूट वन किलोमीटर पर आवर ठीक है चलो बेटा आगे देखते हैं हमारे जीवन में आगे क्या है एक क्वेश्चन और है हमारे जीवन में इसको और करेंगे क्वेश्चन नंबर बिना क्वेश्चन नंबर है ये वाला क्वेश्चन करो सब लोग इसको भी अटेम्प्ट करेंगे

पहले हम थीटा निकाल रहे थे अब हमें थीटा दे दिया और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट दे दिया हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का मतलब है जिससे हमारी कार मूव कर रही है और तो हम ये अज्यूम कर लेंगे कि इट इज मूविंग इन द पॉजिटिव एक्स एक्सिस कोई भी डायरेक्शन हो कोई फर्क नहीं पड़ता ठीक है एज फार एज नहीं फर्क तो पड़ेगा यार क्योंकि रेन इज फॉलिंग वर्टिकली डाउनवर्ड नहीं वर्टिकली डाउनवर्ड भी नहीं है वेलोसिटी ऑफ रेन तो मुझे निकालना है बट थीटा मुझे वर्टिकल के साथ दिया इसलिए मैं ये अज्यूम कर लूंगा कि कार मूव कर रही है तो ग्राउंड पे ही मूव करेगी तो उस डायरेक्शन को पॉजिटिव एक्स मान के 18 किलोमीटर पर आवर मान के फिर सोल्व करूंगा मुझे आप कल जो वेलोसिटी ऑफ कार दिया है थीटा वैल्यू दी है अब आपको फाइंड आउट करना है वेलोसिटी ऑफ ट्रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड सब लोग ट्राई करो बेटा इसको इजी है बस जो कंसेप्ट सब तक यूज हुए उसी तरीके से लिखोगे हो जाएगा जिनका आंसर आ गया वो लोग आंसर दे सकते हैं चैट बॉक्स में एटीन रूट थ्री कोई बच्चा कर रहा है अभी भी चलो देखते हैं फिर इसका आंसर देखते हैं इसका आंसर है जी ये रूट थ्री दैट इज ऑल्सो थर्टी वन पॉइंट टू किलोमीटर पर आवर कैसे करेंगे हमें दिया गया है मैन इज मूविंग इन टॉपलेस कार विद स्पीड एटीन किलोमीटर पर आवर यानी कि आपको दिया गया वेलोसिटी ऑफ कार विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड दैट इज एटीन आई कैप ठीक है यूनिट इसका है किलोमीटर पर आवर to protect himself from rain he holds the umbrella at theta aapko de diya 60 degree ab aapko find out karne velocity of rain theek hai triangle draw karo velocity of rain hai vertically koi niche gir rahe hoge na velocity of rain to koi dikkat nahi hai aapko kya karna hai car ki velocity देखो ऐसे लिखते हैं ना velocity of rain with respect to car ये find out करनी है तो velocity of rain minus velocity of car तो मुझे वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू कार आ, ये भी नहीं पता इसको लिखूंगा सीधा लिख देता हूं मान लेता हूं वेलोसिटी वी से मूव कर रही है रेन तो उसको लिखते हैं वेलोसिटी वी और माइनस वेलोसिटी ऑफ कार तो वेलोसिटी ऑफ कार क्या है 18 इसको 18 लिख दूंगा सोल्व करूंगा तो मुझे मिलेगा टेंजेंट थीटा अब देखो इसका ट्राइंगल बना लेते हैं ऐसे थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाएगा मान लो रेन ऐसे गिर रही है ठीक है और ये कार ऐसे मूव कर रही थी तो माइनस कंपोनेंट इसका ये आया अब कुछ भी एंगल रहे कुछ ट्राइंगल इसी तरीके का बनेगा और आपको ये थीटा वैल्यू दे दी गई है ठीक है और ये आपको पता है सामने वाला दैट इज सिक्सटी डिग्री तो आपको ये पता है कि टेंजेंट सॉरी uh, थीटा इज सिक्स ये आपको पता है एट्टीन के बराबर है ठीक है तो टेंजेंट थीटा वो क्या होता है

अच्छा अम्बरेला होल्ड करने का एंगल अम्बरेला इधर से पकड़ेंगे ना अगेंस्ट तो इसको ये ये थीटा दिया बेटा ऊपर वाला नहीं दिया तो आपको वी बाय एन आएगा ठीक है ऊपर आएगा आएगा और 18 आएगा। तो 18 v. तो अब वी जो है वो आएगा फिर से गलत लिख दिया मैंने अरे जो मिटाया वही लिख दिया एटीन बाई वी नहीं वी बाय क्योंकि परपेंडिकुलर इज वी

ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज यूज करके तो सेम ही चीज थी इसमें कुछ नया नहीं है तो हम लोग इधर टाइम वेस्ट नहीं करेंगे आगे बढ़ेंगे अब हम देख रहे हैं दूसरा केस कि अब बारिश है किसी एंगल पे गिर रही है बंदा मूव कर रहा है ठीक है ये सारा का, एक एक साथ पूरी की पूरी कॉम्प्लेक्सिटी तो यहां देखो वेलोसिटी ऑफ मैन मैन रनिंग हॉरिजॉन्टली विद स्पीड v v वेलोसिटी से मूव कर रहा है मैन

यू साइन थीटा आई कैप और जो डाउनवर्ड वर्टिकल में आ रहा है दैट इज ये एडजस्टेंट वाला होगा तो दट इज यू कोस्टा जे कैप ठीक है इन दोनों को यूज करोगे एक साथ लिखोगे तो यू साइन थीटा आई कैप माइनस यू कोस्थीटा जे कैप अब देखो तो ये बेलोस्टी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है इसमेंटिव शायद नहीं आएगा इधर बस कम्पोनेट हो गए इसके रेन की विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड थी उसके और टेंजेंट थीटा आप निकालोगे तो वही आएगा की टेन थीटा दिखी रहा है की ये ये वाला सामने वाला डिवाइडेड बाई साइड वाला

इसमें कोई नई बात नहीं है बस ये तरीका था ये जो है डिस्ट्रीब्यूशन अलग भी हो सकता है इनिशियल वेलोसिटी अलग हो सकती है कोई भी दिक्कत यहाँ टेंशन नहीं लेनी मतलब इस फॉर्मूला को भी याद नहीं रखना ठीक है बस आप ये समझ जाओ कि, कि किसी एंगल पे रेन आएगी तो आपको उसके कंपोनेंट के बारे में कंसर्न रहना है कि उसके दो कंपोनेंट बनेंगे एक बनेगा होरिजोनटल के अलोंग एक बनेगा वर्टिकल के अलोंग क्योंकि रेन किसी एंगल पे कर रही है और वो कंपोनेंट डिवाइड ठीक उसी तरीके से होंगे जो हमने अब तक पढ़ा है सामने वाला थीटा के जस्ट सामने वाला साइन कंपोनेंट होता है और थीटा के एडजेसेंट वाला कोस कंपोनेंट होता है ठीक है ये आप देख लो और इसके बाद बस ये कंपोनेंट निकाल के आप यूज कर लोगे फार्मूला में, ठीक है अब इसका यूज तो कल होगा जो अभी लास्ट वाला केस पढ़ा तो कल एक बार फिर से उसको बता के फिर करेंगे तब तक आप क्वेश्चन नंबर 1 एक बार सॉल्व करो खाली क्वेश्चन नंबर 1 बिफोर लीविंग वी कैन सॉल्व क्वेश्चन नंबर 1 मैन मूविंग इन फाइव मीटर पर सेकेंड ऑब्जर्व रेन फॉलिंगलीफ टेन मीटर अब आपको फाइंड आउट करना है रेन की तो अब तक हम निकाल रहे थे रेन की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू मैन लेकिन वो हमें अभी दे दी गई है क्वेश्चन में वो वैल्यू हमें दे दी गई है वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इज फाइव मीटर पर सेकंड और इसको लिख सकते हैं फाइव आई कैप वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन वो आपको दी गई है फॉलिंग वर्टिकली है ना तो इसको लिख दो 10 मीटर पर सेकंड था तो वर्टिकली डाउनवर्ड्स है इसका मतलब हुआ -10 जे कैप ये मुझे दिया गया अब आपको वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ये फाइंड आउट करना है ठीक है फॉर्मूला क्या था वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू मैन वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन इज वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन इस फार्मूला में इन चीजों को फिट करो कुछ तो आएगा देखो क्या आएगा फाइंड द स्पीड एंड डायरेक्शन डायरेक्शन भी फाइंड आउट करनी है स्पीड भी फाइंड आउट करनी है टेंजेंट थीटा से थीटा निकाल लोगे तो डायरेक्शन आ जाएगा और अलग-अलग कंपोनेंट का स्क्वायर लेके अंडर रूट ले लोगे तो मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड वो आपको मिल जाएगा